Hello dear students, I am Sandhya teacher and today we are going to learn the very first chapter. The name of that chapter is International Numerals and Roman Numerals. Actually, in this topic there are three types of numerals which we need to study. They are International Numerals, Devanagari Numerals and Roman numerals. As the name suggests, international numerals are the numbers which we use internationally. In short, in simple words, international numerals means the English numbers which we use in day-to-day life, right? Which we all know, 1, 2, 3, 4, which we write in English. They are called as international numerals. Devanagari numbers or numerals means the numbers which are in Devanagari script. In simple words, they are Marathi numbers. And Roman numerals, as the name suggests, they are used by the Romans. These Roman numbers are written with the help of English alphabets. वो मैं आपको बाद में और भी कुछ अल्फ़ाबेट्स रोमन नंबर में यूज़ किए जाते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगी वीडियो में. यहाँ पर आपको सिर्फ यह ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल नंबर जो 1 है वो देवनागरी में किस तरह लिखा जाता है, रोमन में किस तरह लिखा जाता है. इंटरनेशनल नंबर 6, हमें पता है कि 6 नंबर किस तरह लिखा जाता है. उसी 6 को देवनागरी स्क्रिप्ट में, देवनागरी नंबर्स में किस तरह लिखा जाता है, रोमन में किस तरह लिखा जाता है. रोमन न्यूमरल्स हम आगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे. नाउ लेट अस लर्न रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स. रूल नंबर 1, 7 अल्फाबेट्स आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग रोमन न्यूमरल्स. दे आर एज फॉलोज. I means number 1, V means number 5, X means number 10, L means number 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. English ke jo I, V, X, L, C, D, M ye jo letters hai, ये यूज़ किए जाते हैं रोमन न्यूमरल्स में. आई का मतलब है नंबर 1, वी मतलब 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500, एम मीन्स 1000. अब यहाँ पर ये तो आपको पता है कि आई का मतलब होता है नंबर 1, वी का मतलब होता है 5 और एक्स का मतलब होता है 10. अब आगे के ये नंबर कैसे ध्यान में रखेंगे, एक ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ. आपको सबको LCD पता है ना, LCD TV. सो यहाँ पे ध्यान में रखना है LCD और M means मेरा, mine. LCD मेरा. L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. कितना आसान है ना. अब रूल नंबर 2, द सिंबल्स I एंड X कैन बी रिपीटेड कंसेक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम 3 टाइम्स. कंसेक्यूटिवली का मतलब होता है एक के बाद एक. अब यहाँ पर इस रूल में क्या बताया गया है कि सिंबल I और X हम रिपीटेडली, कंसेक्यूटिवली हम ज़्यादा करके 3 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं. मैक्सिमम 3 टाइम्स हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिंबल आई हम 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं एक के बाद एक. देखते हैं कैसे. अब यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है, नंबर 1. सो 3 बार ही हम आई यूज़ कर सकते हैं. 3 बार आई मतलब 1 + 1 + 1 = 3. अब हम यहाँ पर 4 बार, 4th टाइम आई नहीं ले सकते क्योंकि हम मैक्सिमम 3 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं सिंबल आई और सिंबल एक्स. उसी तरह सिंबल एक्स का भी है, सिंबल एक्स भी हम
मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं। x का मतलब है नंबर 10, सो 3 बार x है तो कितना नंबर हुआ, 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि हम सिंबल v इज नेवर रिपीटेड कंसेक्यूटिवली, v सिंबल कंसेक्यूटिवली नहीं आता, रिपीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर 10 नंबर है तो 5 + 5 होता है 10, तो उसके लिए हम v दो बार नहीं लिख सकते, v का मतलब है 5। सो हमें अगर 10 नंबर लिखना है तो हम v दो बार नहीं लिख सकते कंसेक्यूटिवली, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर के लिए हमारे पास x सिंबल है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3। व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द बिगर नंबर देन वी हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स। अब देखिए इस रूल में क्या बताया गया है, बहुत ही आसान है, आप सबको पता है। व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द बिगर नंबर, बिगर नंबर के राइट साइड में अगर स्मॉलर नंबर आ जाता है तब हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करना है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अब यहाँ पर देखिए सिंबल्स है v और i, v का मतलब है 5 जो कि बिगर नंबर है, और i का मतलब है 1 जो कि स्मॉलर नंबर है। अब यहाँ पर v का मतलब है 5, i का मतलब है 1, अगर हम 5 और 1 को ऐड कर देते हैं तब हमें मिल जाता है नंबर 6। तो नंबर 6 रोमन न्यूमरल्स में किस तरह लिखा जाएगा, v और i। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, v का मतलब है 5, i का मतलब है 1, और i दो बार है मतलब यहाँ पर 2 नंबर है, राइट। सो 5 + 2 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर कौन सा नंबर है, 5 + 1 + 1 + 1, 1 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, x का मतलब है 10 जैसे कि आपको पता है, और i का मतलब है 1, सो 10 + 1 इज इक्वल टू 11। सो 11 रोमन न्यूमरल्स में इस तरह लिखा जाएगा। x और v, x का मतलब है नंबर 10, v का मतलब है 5, 10 + 5 इज इक्वल टू 15। x मतलब 10, v मतलब 5, i मतलब 1, सो 10 + 5 + 1 इज इक्वल टू 16। लेट्स सी नेक्स्ट रूल, व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर हमने रूल नंबर 3 में क्या सीखा, अगर स्मॉलर नंबर राइट साइड में आ जाता है बिगर नंबर के तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब इस फोर्थ रूल में क्या बताया है कि स्मॉलर नंबर अगर बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में आ जाता है तब हमें क्या करना है, तब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बिगर नंबर देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर है आई और वी। ओके, आई और वी, यहाँ पर क्या था, वी और आई, वी बिगर नंबर था और आई स्मॉलर नंबर था, तब हमने क्या किया, ऐड किया, नंबर मिला 6। अब यहाँ पर बिगर नंबर है और उसके लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर है, लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर नंबर आ जाता है तब हमें क्या करना है, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। सो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिल जाता है नंबर 4। सो नंबर 4 हम किस तरह लिखेंगे, I और V। एक और एग्जांपल देखते हैं, I और X। अब आपको पता है X का मतलब है 10 और I का मतलब है 1। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर आया है। अब 10 - 1 इज इक्वल टू 9, तो नंबर 9 रोमन न्यूमरल्स में किस तरह लिखा जाएगा, आई और एक्स।
Let's see next rule. To write the numbers greater than 10, first write the groups of tens followed by the proper numerals for the units. अब हमें 10 से ज़्यादा bigger, greater number लिखने हैं, तब हम क्या करेंगे? चलो example के through समझते हैं. अब यहाँ पर 10, x का मतलब है 10, और कौन सा number है? I का मतलब है 1, 1 कितनी बार है? 3 बार है. तो कौन सा number हुआ? 10 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to 13. Now let's see next example. अब इस example में क्या बताया गया है? X का मतलब है 10, उसके बाद में है I और V. V का मतलब आपको पता है, V मतलब 5, और I का मतलब है 1. V के left side में smaller number आया है, तब हम क्या करेंगे? 5 में से 1 subtract करेंगे, जैसे कि rule बताता है. 5 में से 1 subtract करने के बाद कौन सा number मिलता है? 4. तो 10 plus 4 is equal to 14. X मतलब 10, दो बार है 10, तो 20 plus 1 is equal to 21. Next example, XX मतलब 10 plus 10, बाद में है I और X. अब यहाँ पर भी bigger number के left side में smaller number आया है, तब हम क्या करेंगे? 10 में से 1 subtract करेंगे, तो कौन सा number हुआ? 9. अब यहाँ पर कौन सा number हुआ फिर? 10 plus 10, 20, 20 plus 9, 29. Now let's do some practice. Examples for practice. Write the number 3,26,974 using Devanagari numerals. अब यहाँ पर हमें Devanagari numerals use करके ये number write करना है. किस प्रकार write करेंगे? ये है number. अब यहाँ पर digit by digit हम international numerals को Devanagari numerals में convert करेंगे. Number 3 Devanagari में लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार. Number 2, then number 6, then number 9, number 7 and number 4. Let's see next example. Express the number 24 in Roman numerals. Roman numerals में हमें number 24 write करना है. अब हम किस प्रकार write करेंगे? Number 24 का expanded form write करेंगे, 20 plus 4. Now number 20 means 10 plus 10, right? And number 4. Number 4 means 5 minus 1, right? अब 10 के लिए, number 10 के लिए Roman numerals में कौन सा symbol है? आप सबको पता है. Yes, very good. X. दो बार 10 है, तो X, X. दो बार X आएगा. And number 4. 5 minus 1, 4. Symbol है I और V. अब number 24 लिखा जाएगा कुछ इस प्रकार. X, X, I, V. Let's see next example. How is the sum of 10 and 28 be written in Roman numerals? Number 10 or 28. इन दोनों का sum. Sum मतलब addition. इन दोनों को add करके जो answer आएगा, जो sum आएगा, उसको हम Roman numerals में किस प्रकार लिखेंगे? 10 plus 28 is equal to 38. अब यहाँ पर हम नंबर 38 रोमन न्यूमरल्स में किस प्रकार लिखेंगे, यह क्वेश्चन है. 38 मींस 30 प्लस 8, एंड 30 मींस 10 प्लस 10 प्लस 10, एंड 8 मींस 5 प्लस 3. अब यहाँ पर 10 3 टाइम्स है, 10 मींस x, राइट? सो x x x एंड नंबर 8 रोमन में लिखा जाएगा इस प्रकार. V मतलब 5, 5, 6, 7 and 8, राइट? अब नंबर 38 इस प्रकार लिखेंगे.
Now let's see one more example. Express the number 157 in Roman numerals. 157 का expanded form क्या होगा? 100 plus 50 plus 7. Number 100 Roman numerals में किस प्रकार लिखा जाता है? Yes, very good. Number 100 means C. Number 50 means L. L, C, D, mine. Right? L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. So here we have number 100. 100 means C, 50 means L and 7 means V. V means 5. 5, 6 and 7. So number 157 will be written like this in Roman numerals. It's very easy. You need to practice more. Rules are very simple, very easy. You need to understand and practice. Practice makes a person perfect. So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye-bye.